मैं अब इस कार्यक्रम के अगले चरण में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने ग्रेट लीडर्स राजेश सिंह और प्रकाश वर्मा को आमंत्रित करता हूं। वो आपको बताएंगे डेमो इस पूरे कैंगन मशीन का से निकलने वाले पानी के किस किस तरह का ये मशीन पानी देता है और इसके क्या फायदे हैं उसका पूरा डिटेल्स हमारे ये लीडर्स प्रकाश वर्मा और राजेश सिंह जी बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अंधेरे में डर लगे जला लेना खुद को, जब अंधेरे में डर लगे जला लेना खुद को, ना दिखे रास्ते मर मंजिल जरूर दिख जाएंगे। आज मंजिल हम लोग को दिखा है, हम लोग यहाँ आए हैं और आप लोग दूर दूर से आए हैं, इसके लिए सबसे पहले एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां बनती है हमारे सुदेश सर के लिए, जिन्होंने हमें रोड मैप बनाया और आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। दीपक बॉस, इन लोगों का एक बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को अभी आसान कर रहा है आगे के लिए। डेमोस्ट्रेशन एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पानी की जो प्रॉपर्टी है उसको जब तक हम विस्तार से नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, और पानी तो पानी है करके हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो हम इस डेमोस्ट्रेशन पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। रखे हुए हैं, फिर से डेमोस्ट्रेशन देख रहे हैं आप। अभी एक कच्चा बादाम गाना काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वो कच्चा बादाम, वो कभी नहीं सोचा था हम सेलिब्रिटी होंगे, लेकिन वो कच्चा बादाम अपने बिजनेस के लिए वो बार बार रिपीट करता था और उस रिपीटेशन में इतना शार्पनेस आ गया जो सोशल मीडिया पर आ गया, आज वो सेलिब्रिटी हो गया। तो ये डेमोस्ट्रेशन हमारा पार्ट है, अगर जितना आप करेंगे जितना सुनेंगे उतना शार्पनेस आएगा। हमारे महान ग्रंथ अथर्ववेद का पहला श्लोक है, आयु काम यमानेन धर्मार सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विदेह परमाद्र, अर्थात धर्म अर्थ और सुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन आयु है। आयु मतलब जीवन, जीवन मतलब बेड पर पड़ा हुआ जीवन नहीं, जीवन मतलब स्वस्थ जीवन, वही इंजॉय कर सकता है। इसलिए स्वस्थ जीवन का आधार है पानी। क्या है आधार स्वस्थ जीवन का? एकमात्र आधार पानी है, और उसी पानी पर यह सेशन होने वाला है। हेल्दी लाइफ के लिए बहुत कुछ करना होता है, लेकिन जो फिल्टर करके अगर आप देखेंगे तो मूल में तीन चीज़ है। हमें अच्छी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। क्योंकि हम लोग 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, हम लोगों का लाइफ फास्ट हो चुका है, हम ईट वेल स्लीप वेल एक्सरसाइज वेल नहीं हैं और हरी वरी करी के में चक्र में फंसे हुए हैं और दिन रात टॉक्सिन्स ले रहे हैं। अगर टॉक्सिन्स पर बोला जाए तो कम से कम 2 घंटा लगेगा, तो कैसे हम टॉक्सिन्स ले रहे हैं? जितना भी हम खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, मिलावट सामान, तो हवा को हम बदल नहीं सकते हैं। हेल्दी भी रहना है और खाना 21st सेंचुरी में डिजाइन हो गया है, सोसाइटी ने अडॉप्ट कर लिया है, हम लोग टेस्ट के लिए खाते हैं। खाना अगर अच्छा खाना चाहिए तो हम लोगों को ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी, जो कि बहुत कठिन काम है, नहीं हो सकता है। तो हेल्दी भी रहना है तो हमारे हाथ में एक चीज़ है, वो है अच्छा पानी। अगर हम पानी को बदल लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। डॉक्टर देव कारपेंटर की एक बुक है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, आप अपने पानी को बदलिए आपका जीवन बदल जाएगा। हमारा भी जीवन बदला है, हमने प्रकाश जी को मशीन दिया है, प्रकाश जी का जीवन बदला है, और हम लोगों ने सैकड़ों लोगों का जीवन बदला है, सैकड़ों फैमिली का जीवन बदला है, और कंपनी ने तो लाखों फैमिली का जीवन बदला है। तो कैसा पानी? चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, मतलब लोग समझते हैं पानी तो हम बदल रहे हैं। स्प्रिंग वाटर पीते थे हमारे पूर्वज, उसके बाद हम लोग बेल का पानी पीने लगे, उसके बाद नल का पानी पीने लगे, उसके बाद आरओ फिल्टर का पानी पीने लगे। हम उस पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन पानी के बारे में बात कर रहे हैं,
जो इनेजिक नाम की कंपनी ने एक डिवाइस के जरिए आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है। 48 साल पुरानी कंपनी है, 48 साल का मतलब होता है टाइम टेस्टेड कंपनी का टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट। अगर ये डिवाइस टाटा बनाने लगे, रिलायंस बनाने लगे, तो हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत व्यापार है, वो एक आयनाइजर उसमें जोड़ देंगे। लेकिन इनका आयनाइजर दुनिया के सामने पहला आयनाइजर इन्होंने दिया और आज 170 कंट्रीज में ये इनका आयनाइजर चल रहा है। तो टाइम टेस्टेड कंपनी का टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट देखा सुना जांचा परखा हुआ, यानी आयनाइजर के क्षेत्र में एक्सपर्टनेस हो गया, कंपनी को मास्टरी हो गई है। उसमें भी 20 वर्षों तक 1974 टू 1994 तक ये डिवाइस कंपनी सिर्फ हॉस्पिटलों को सप्लाई करती थी। जब दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, हेल्थ एथलीट, हेल्थ एक्सपर्ट ने इसको रिकमेंड करना शुरू किया, तब कंपनी ने बाद के वर्षों में एक छोटा डिवाइस घरों के लिए बनाना शुरू किया और आज 170 कंट्रीज में ये एसेंशियल किचन अप्लायंसेज का रूप ले लिया है। हर घर की जरूरत, जो लोग अवेयर हैं वो ले रहे हैं, जो नहीं अवेयर हैं कल लेंगे, लेकिन लेना सबको पड़ेगा। इंडिया में फरवरी 2016 में बंगलोर से कंपनी ने अपना ऑफिस शुरू किया और ऐसा ऑफिस 40 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड कंपनी का है, ऑन ऑफिस। सबसे बड़ी बात है, हालांकि सब कुछ तो इसमें बड़ी ही बात है, हरी कथा अनंता, इस मशीन के बारे में जितना बोला जाए वो बहुत कम है। इस डिवाइस को ISO 13485 भी मिला हुआ है। ISO 13485 मेडिकल ग्रेड के डिवाइस को मिलता है, यानी दुनिया की पहली पानी की मशीन है जो ISO 13485 अवार्ड से सर्टिफाइड है, यानी ये मेडिकल डिवाइस है। और आयनाइजर के क्षेत्र में ये पायनियर कंपनी है, पहला आयनाइजर इन्होंने दिया और आज 170 कंट्रीज के लोगों ने इसको एडॉप्ट किया है। इस कंपनी के सक्सेस को देखते हुए कुछ कंट्रीज की कंपनियों ने इसका नकल करना शुरू किया, जिसमें चाइना, कोरिया और यूएसए की कंपनियां हैं, बट इनका रिजल्ट नहीं हो सका। ये मशीन हीलिंग रिजल्ट के ऊपर बिकती है तो ये सर्वाइव मार्केट में नहीं कर सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे बॉडी में 70-80% पानी होता है। इनफैक्ट हम लोग पानी से ही बने हुए हैं। हवा हमारे शरीर के लिए 6% ज़रूरत है और खाना 19%, जबकि पानी की ज़रूरत 75% है। हवा के बगैर हम एक मिनट जिंदा नहीं रह सकते हैं, बावजूद जल के साथ ही जीवन शब्द का प्रयोग हुआ है, जल ही जीवन है। और जल ही जब जीवन है तो इसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं हैं। हमारे एक एक ऑर्गेन को सक्सेसफुली रन करने के लिए सफिशियंट पानी चाहिए, जिसमें आपको ब्रेन को 75%, लीवर को 86%, स्किन को 64%, बोन को 22%, मसल्स को 75%, ज्वाइंट को 83%, किडनी को 83%, लिम्फ को 94%, लंग्स को 80%, ब्लड को 83% और आईज को भी 65% पानी की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट हम लोग पानी से ही बने हुए हैं। हमारा एक एक सेल 99.9% पानी से बना हुआ है और उस पानी को हम लोग अभी तक, पानी के इम्पोर्टेंस को अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। पानी के बारे में सिर्फ इतना समझ पाए हैं, डर्टी वाटर टू क्लीन वाटर, गंदा पानी और साफ पानी, जबकि हम आपको बताने वाले हैं मिरेकल वाटर, डेड वाटर टू मिरेकल वाटर। अब मिरेकल वाटर का कंसेप्ट आज से 69 ईयर्स बिफोर जैपनीज और रशियन साइंटिस्ट के एक ज्वाइंट वेंचर के द्वारा दुनिया के कुछ नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर के ऊपर किया गया एक रिसर्च है, जिसको मिरेकल वाटर बोला गया है, होली वाटर बोला गया है। ये पानी है आपको गंगोत्री में गोमुख का पानी, मक्का में कुआं है जमजम नाम का, इसका पानी आबे जमजम के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह का पानी है मैक्सिको में लकोटे, जर्मनी में नॉर्डेनो, फ्रांस में लॉर्ड्स, पाकिस्तान में हुंजा वैली, कश्मीर में चश्मे साहिब। इस पानी के ऊपर रिसर्च हुआ था, जिस पानी का प्रॉपर्टी क्या है, ये हीलिंग रिजल्ट क्यों देता है, इससे बीमारियां क्यों दूर होती है। तो इन तमाम जगह के पानियों का एक ही प्रॉपर्टी मिला, वो है OH-। ये जो धरती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है
और धरती के नीचे से जो पानी आता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही इलेक्ट्रॉन हमें हेल्दी करते हैं। लेकिन एसिडिक कंटेंट मिलने से इलेक्ट्रॉन पानी से निकल गया है और वो एसिडिक पानी हम लोग को मिल रहा है और यही कारण है जो बीमारियां अभी के डेट में बढ़ चुकी हैं। तो ये मशीन, ये पानी, इस तरह का पानी घर में कैसे पहुँचे, उस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों ने एक सिस्टम को चुना जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस बुक को पढ़नी चाहिए, हम लोग बहुत सारा बुक्स पढ़ते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बुक नहीं पढ़ते हैं। इस बुक की समरी है जो हमारा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं तो हमारे एक एक सेल को रन करने के लिए -20 to 25 मिली वोल्ट की आवश्यकता होती है और हमारे बॉडी में मोर देन 72 trillion सेल्स होते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हमें पड़ेगी। और ये जब घटते क्रम होता है, सॉरी -50 मिली वोल्ट पर हमारा बॉडी नए सेल्स को बनाता है, एक बढ़ते उम्र के साथ सेल बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, टूटने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, एजिंग फैक्टर हम शिकार हो जाते हैं। अगर बनने की प्रक्रिया बढ़ जाए और टूटने की प्रक्रिया कम होने है, जैसे ऐश्वर्या राय है और रानी मुखर्जी है, उस तरह से हम भी हो सकते हैं। तो ये इस इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो एंटीऑक्सीडेंट वाटर है और ये जब बढ़ते क्रम होता है तो टायर्डनेस, सिकनेस, पोरालिटी और +30 में हम कैंसरस हो जाते हैं। बड़े डॉक्टर मतलब जो रिसर्च में लगे हुए हैं, जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं, वैसे बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है कि अगर लंबे समय तक आपको हेल्दी रहना है और हॉस्पिटलों में नहीं जाना है तो आपको ऑर्गेनिक रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपको खाना पड़ेगा और ये अगर संभव नहीं है तो इस मशीन का पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि इसको किंग ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट बोला गया है। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइन। महान आयुर्वेदाचार्य कलयुग के बागभट साहब 2800 साल पहले एक बुक लिखे थे जिसमें उन्होंने 7000 सूत्र लिखे हैं हेल्दी रहने के लिए। उसमें एक सूत्र है अम्लीय और क्षारीय और हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है, 10th में 12th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग भूल जाते हैं। फैक्ट है, एक छोटा सा डिवाइस खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, पंखा खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है पढ़ने के लिए जो कैसे इसको ऑपरेट किया जाए। बस इस डिवाइस को, जो प्राइसलेस डिवाइस है, इसके ऑपरेशन का मैनुअल हम लोग नहीं पढ़ते हैं, जो मिलता है वो खाते हैं, जो मिलता है वो हम पीते हैं। उसको देखना पड़ेगा, अगर इस डिवाइस को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं हेल्दी पूर्वक तो आपको अपना मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, हमको एंटीऑक्सीडेंट लेना है, अल्कलाइन लेना है, माइक्रो क्लस्टर लेना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, सनबाथ लेना है, ये करना पड़ेगा। उसी कड़ी में हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइन और जितनी भी डिजीजें होती हैं वो एसिडिक बॉडी में होती है, ये हमारा आयुर्वेद भी कहता है, मॉडर्न साइंस भी कहता है, और अल्कलाइन बॉडी में डिजीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हम लोग बाय बर्थ अल्कलाइन साइड के होते हैं। बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तो उसका ब्लड पीएच होता है 7.90 और एडल्ट पर्सन का होना चाहिए हेल्दी बॉडी का 7.35 to 4.5 के बीच में। इससे जब पीएच डिक्रीज करता है तभी बीमारियाँ होती है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो पानी का पीएच होता है 0 to 14, 7 न्यूट्रल वैल्यू है, हमको ऑलवेज 9 to 10 पीएच का पानी पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि खाना हम लोग एसिडिक खाते हैं, अगर एसिडिक खाना खाएंगे तो हमको एटलीस्ट 9 to 10 पीएच का पानी पिएंगे तो हमारा बॉडी 8 पीएच में हाइड्रेट रहेगा, अगर 8 पीएच में बॉडी हाइड्रेट रहेगा तो बीमारियां नहीं होगी। 1 में इनके रिसर्च की समरी है, कैंसर होने का 2 ही रीजन है, नो गुटखा, नो पान, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, सिर्फ एसिडिक बॉडी चाहे जिस तरीके से हो वो बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ कैंसर सेल डेवलप होगा। और यही कारण है जो सोसाइटी में आप देखते होंगे, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं खाए, अपने जीवन में कैंसर हो गया, मर गए, लोगों ने कहा किस पाप का सजा इनको मिला जिनको कैंसर हो गया। तो कैंसर होने का 2 ही वजह है, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया, बॉडी जब एसिडिक होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा सेल कैंसरस होना शुरू हो जाएगा। हमारा जो पानी है एसिडिक
बॉडी को भी अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है और हाइपोक्सिया को भी ख़त्म करता है। रीजन है ये पानी निगेटिव चार्ज में है तो इसका ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल के लिए कामयाब है, काम करता है। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। पानी को एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन के साथ साथ माइक्रो क्लस्टर भी होना चाहिए, सूक्ष्म भी होना चाहिए। क्योंकि पानी हम एक प्रक्रिया के तहत पेट भरने के लिए नहीं पीते हैं, पानी हम अपने एक एक सेल और ऑर्गेन के लिए पीते हैं, आँख के लिए पीते हैं, हेयर के लिए पीते हैं, ब्रेन के लिए पीते हैं, लीवर के लिए पीते हैं, किडनी के लिए पीते हैं, पेनक्रियाज के लिए पीते हैं, एवरी ऑल सेल्स एंड ऑर्गेन्स के लिए पानी पीते हैं। तो पानी को सूक्ष्म होना चाहिए। क्यों सूक्ष्म होना चाहिए? क्योंकि पानी जब हम सेल के लिए पिएंगे तो सेल का जो एक्वापोर्स है उसके साइज का या उसके साइज से छोटा होगा तभी वहाँ पानी पहुँच पाएगा। क्योंकि पानी का बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल है, न्यूट्रिएंट पार्ट को पानी ही पहुँचाता है, ऑक्सीजन पानी ही पहुँचाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इन्हांस करता है और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। इसलिए पानी को माइक्रो क्लस्टर होना चाहिए। अभी का पानी 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का हो गया है जबकि हमारे मशीन से निकला हुआ पानी 5 से 6 मॉलिक्यूल्स का है और हमारे सेल्स का एक्वापोर्स भी 5 से 6 माइक्रोन का है। तो छोटा पानी आसानी से पेनिट्रेट करता है और वहाँ से आपको फ्री रेडिकल्स को बाहर करता है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इन्हांस करता है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर होता है। तो मोर हाइड्रेशन, मोर इनर्जी लेवल, मोर इम्यूनिटी, मोर फाइटिंग प्रोसेस और हम धीरे धीरे हेल्दी हो जाते हैं। और साथ साथ ये पानी हेक्सागोनल शेप में भी है जिसके लिए इस मशीन को पेटेंट का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ब्यूटी वाटर होता है 5.5 to 6, ये नेचुरल टोनर का काम करता है। अगर आपके घर में मशीन हो और ब्यूटी वाटर का प्रयोग डेली हो तो शायद ब्यूटी पार्लर जाने का खर्चा बच जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर सिर्फ ब्यूटी पार्लर वापस हो गया, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। और आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन आप नेट पर सर्च करिए, दुनिया के किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज में एक्टिव हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कितना इफेक्टिव है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको दो गिलास सुबह और दो हो रहे हैं सर, पानी नहीं पहुंच रहा है। तो दो गिलास पानी सुबह शाम पीने से हमारा बॉडी हाइड्रेट होता है और हाइड्रेट होगा उसी समय हम हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह के पाउच मिलना शुरू हो गया। बहुत सारे डॉक्टरों का रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें डॉक्टर हिरोमी सिनिया हैं और ये कोलोनोस्कोपी के इन्वेंटर हैं, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लीवर के, और इनका हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बुक्स है। अपने हर एक बुक में इस मशीन की चर्चा इन्होंने किया हुआ है। बहुत सारे हॉस्पिटलों में मशीन लगी हुई है वर्ल्ड वाइड, अब इंडिया में भी लगना शुरू हो गया है। आपके पटना में भी महावीर कैंसर संस्थान में मशीन लग चुकी है और सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में भी मशीन लगी हुई है और टाटा मेमोरियल मुंबई में भी मशीन लगी हुई है। और इस मशीन को तमाम जो बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब मिला हुआ है। अमेरिकन वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की ओर से गोल्ड सील का अवार्ड मिला हुआ है, ISO 14001, ISO 13485 मिला हुआ है और 6500 डॉक्टरों का एक पैनल ने इसे एडल्ट डिजीज प्रिवेंशन का भी सर्टिफिकेट दिया है। 5 साल की वारंटी और 25 साल के लाइफ एक्सपेंस के साथ, नो रनिंग एक्सपेंसेस के साथ ये मशीन आपको मिलती है SD501। और आते हैं प्राइस के ऊपर, हमारा बेसिक मॉडल है 2,18,000 रुपये का, ये 4 प्लेट की मशीन है। और दूसरा मॉडल है SD501, ये हमारा फ्लेक्सी प्रीमियम हीरो मॉडल है, ये 2,77,000 रुपये की है। और इसी का एक प्लेटिनम मॉडल है 2,97,000 रुपये का, 3,43,000 रुपये का, ये रईस लोगों के लिए मॉडल है। और प्रकाश जी बहुत सारा ये मशीन बेचे हैं, सबसे ज़्यादा बिहार में K8 मॉडल बेचने वाले यही हैं। और एक हॉस्पिटलों का मॉडल है 3,97,000 रुपये का, तो अब आपको डिसाइड करना होगा। और एक इनस्पा भी है नहाने के लिए, जो सेलिब्रिटीज लोग नहाते हैं जिसका स्किन शीशा की तरह चमकता है, हम लोग सोचते हैं कैसा इसका स्किन है, वो इनस्पा से नहाता है। तो अगर आप लोग भी इनस्पा से नहाएंगे तो स्किन उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। प्राइस 2,00,000 का है। सेलिब्रिटीज लोग हैं जो मशीन लगाए हैं और ये हम लोग के सेलिब्रिटीज हैं जो हम लोग मिल करके लगाए हैं। ये सब तमाम जो कंगन मशीन यूज कर रहे हैं इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं। ये आपको नमामि गंगे प्रोजेक्ट के, ये भारत सरकार के तरफ से डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी मशीन लिया है। अगर
आप चाहते हैं हेल्दी लाइफ एंजॉय करें हम पूरी फैमिली, तो आपको कंगन वाटर लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो हॉस्पिटल हमारा इंतजार कर रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर राजेश सिंह और प्रकाश वर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक जोरदार ताली इनके लिए होना चाहिए।